मॉर्निंग देवियांस, तो कैसे यार आप लोग। आज सरस्वती पूजा है 22 जनवरी 2018, और मैं हमेशा इस सरस्वती पूजा में अपने पुराने वाले स्कूल जाता हूँ, रायसेना बंगाली स्कूल। वहाँ मेरे बहुत स्कूल के पुराने फ्रेंड आते हैं, उनसे मिलते हैं। लाइक साल में एक ही बार हम लोग उनसे मिलते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं, कुछ मिलते हैं, गपशप होती है, बात होती है कि साल में क्या किया, क्या नहीं किया, कैसा चल रहा है, क्या हो रहा, थोड़ा मस्ती वस्ती मारते हैं। क्योंकि अभी जैसे कि आप सभी को ही पता होगा कि 12th के एग्ज़ाम चल रहे हैं, और 12th के एग्ज़ाम के बाद वो सारे दोस्त अपने अलग हो जाएंगे। वहाँ पे वादे करते हैं कि हम लोग मिलते रहेंगे, कंटिन्यूसली मिलेंगे, आप सबसे बातचीत कनेक्ट में रहेंगे, बट सच में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि उसके बाद फिर बिजी हो जाते हैं, सब कुछ होता है। तो ये वो एक दिन है, हम लोग सारे दोस्त पुराने जाके मिलते हैं एक दूसरे से, तो ये बहुत अच्छा होता है। तो अभी तो मैं लिख लूँगा, जैसे रेडी हो गया हूँ, कुर्ता उसका ये अच्छा लग रहा, बता रहा कमेंट में कि कैसा लग रहा हूँ। और कल का लाइव बहुत मज़ा आया, कल के जो मैं कल मतलब एक्चुअली संडे को आप देख रहे होंगे, ट्यूसडे को, आज मंडे है, तो संडे का लाइव बहुत अच्छा गया, मुझे बहुत मज़ा आया। आप लोगों के क्वेश्चन आए, आपके मतलब पूछे, मतलब टू वे इंटरेक्शन हुआ उसमें। कमेंट में क्या होता है, आपने कमेंट कर दिया, बहुत सारे मिस हो जाते हैं सर कमेंट, तो वो भी होता है। तो अभी चलते हैं रायसेना, निकलते हैं, वहाँ जाते हैं, क्या हाल चल है, कोई दोस्त से मिलते हैं। मैं ही पूरा टूर कराऊंगी, मेरा स्कूल कहाँ था, कहाँ मैं बैठता था, कौन सा मेरा सेक्शन था, मज़ा आएगा। देवियांस, हम लोग अपने रायसेना स्कूल में पहुंच गए, जो मेरा स्कूल है। ये पीछे जो मैं अभी दिखा रहा हूँ ना, इस जगह ये मेरा साइंस ब्लॉक था, पर अभी भी साइंस ही है, बट मेरा साइंस ब्लॉक था। गौतम को तो जानती है, ऑब्वियस बात है। ये है मेन ब्लॉक, इधर ग्राउंड होता था, और कैंटीन भी हमारे वाले स्कूल में। बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन है, बहुत पुराने पुराने दोस्त मिले, उनसे पता नहीं चला कि हाय हेलो कैसे करें, मतलब शक्ल ही चेंज हो गई इतने इतने सालों बाद। मैंने ये स्कूल शायद 5-6 साल 2011 में छोड़ा था, 2011 के बाद हम लोग अब पहुंचे हैं। इसके बाद मतलब बातें तो रहता था, पर हर साल का ना थोड़ी इंक्रीमेंट होती रहती है। मैं आपको घुमाता हूँ कि क्या क्या टूर है, किस तरीके से है। पीछे देख रहे हो, ये सारा ग्राउंड नहीं है, ये नॉर्मल सा, मतलब ये छोटा सा ग्राउंड, और वो नॉर्मल साइंस ब्लॉक का ग्राउंड। मेन ग्राउंड पीछे मैं वो बंद है, मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। यार बहुत सही स्कूल था, बहुत मज़ा आता था। मेन ब्लॉक है, जूनियर सेक्शन है, साइंस का ब्लॉक है, लैब वगैरह सब कुछ है, पूरा टूर कराता हूँ। और ये मेरा स्कूल है, तो अभी हम लोग एंटर कर रहे हैं जो मेन ब्लॉक है। यहाँ पे आर्ट्स, कॉमर्स, 9th, 10th ये सारी क्लासेस इस वाले ब्लॉक में बैठती थी। सेक्शन होते थे अलग अलग बिल्डिंग, तो उनमें यहाँ एंटर होते। तो मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, आर्ट्स वालों का था, नोटिस कर रहा था, जान पहचान के लग रही है। ये भाई भी हमारे देवन फैमिली में से एक है, और ये भी रायसेनिया ही है। मैं भी इसी स्कूल से पास आउट। कौन सा साल का बैच है भाई आपका? मेरा 2017। मतलब अभी करंटली इसमें हो? नहीं, मतलब लास्ट ईयर पास आउट हुए, तो मैं 2011। बहुत अच्छा लगा भाई आपसे मिलके। तो देख कितने सारे स्टूडेंट ये, मतलब बहुत बढ़िया। मैं अभी पूरा टूर कराता हूँ, रिव्यू मतलब टीचर को छोड़ के। समझ गया भाई, मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ये हमसे ही पहले के इस बैच के स्टूडेंट, फोटो नहीं ले रहा, कई सारे फोटो, और ये बबलू कट गया इनका। स्कूल के बारे में कुछ टीचर से हटके, स्कूल वैसा ही है, और कुछ भी। अच्छा, पुराने दोस्तों से मिलने में कैसा लगता है, जो ऑकवर्ड आते हैं? हमारे सगे कोई भी दोस्त नहीं मिले हमारे बैच के, सगे दोस्त, पर थोड़ा ऑकवर्ड तो नहीं लगता कि इतने सालों बाद मिल रहा है, हाय हेलो कैसे करें उनसे? की नहीं यार, जो करने वाले होते ना वो आ जाते कुछ से। पॉइंट पॉइंट, पर थोड़ा सा लगता है। कौन सी ईयर का बैच आपका? 2010। हमसे एक क्लास ही सीनियर थे ना। वैसे मैं 11 में निकल गया था, क्योंकि मैं इस स्कूल से फेल हुआ था, पर ये लोग पास आउट हुए थे, तो मैं फेल आउट हूँ, ये पास आउट है, इसीलिए थोड़ा मैं 11 के बाद ही निकल गया था। ये है साइंस ब्लॉक, इस वाले ब्लॉक में मैं पढ़ा करता था, पढ़ा नहीं मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम क्लास से बाहर ही रहते थे, या हमें मुझे निकाल देते थे। पढ़ने में बहुत गंदा स्टूडेंट था, कोई टीचर मुझे पसंद नहीं करता था, लाइक बहुत ही बैड रिव्यू अगर मेरी तरफ से देखोगे तो मेरा टीचर। तो मैं दिखाता हूँ कि हमारा कंप्यूटर लैब कहाँ था, स्टाफ रूम कहाँ था। तो जो साइंस के स्टूडेंट हुआ करते थे ना, वो सिर्फ इसी रूम में ही रहते थे, ओनली एंड ओनली 11th और 12th के साइंस स्टूडेंट के लिए। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, तो ये जो रूम है, ये हमारा टीचर स्टाफ रूम था, यहाँ पे टीचर थे। ये बायो लैब ताला है, ये हमारा कंप्यूटर लैब, बहुत सही है। पर कंप्यूटर लैब में किसी ने 8 MB का हार्ड डिस्क देखा है? इस वाले में है,
इतना पुराना है और ये स्कूल बहुत ज़्यादा पुराना है लिटरेली। और ये है 12th वालों का साइंस का ये, और ये है मेरा ये जो था निकलास, इसी में हमने बहुत सारी ऐतिहासिक करी थी डेट। और जब मैं यहाँ पे था तब तो 2011 तो जैसे कि हमारे स्कूल में होता है कि 11th वाले ये सब कुछ बनाते हैं, खाना पीना जो भी होता है सारे, मतलब खाना तो हलवाई बनाता है पर इसका सब्जी काटने से लेके धोने से लेके पंडाल तक, और ये सभी लोगों को दिया जाता है जैसे देख रहे हो। आ जाओ बैठने का थोड़ा इशू, भीड़ बहुत ज़्यादा। हाँ इसमें खीर है, पनीर की सब्जी है, खिचड़ी है, और ये सभी लोगों को दिया जाता है। खीर और पनीर मिक्स हो गई मेरी, कोई बात नहीं फिर भी अच्छी लगेगी। और ये प्रसाद के रूप में आप लोग बात है, आपको भी मिलता है पर आप लोगों ने मिक्स कर दिया, कोई बात नहीं। तो ये सब भाई पीछे बैठे थे, मैं यहाँ बैठे बैठे गए थे भाई, आप अच्छा लगा यार, मिल लिया करो लाइव में, आप कमेंट वमेंट करो, कोई दिक्कत नहीं है यार, सब्सक्राइबर ये भाई ने बोला कि सारी वीडियो देखता हूं। अरे भाई थैंक यू सो मच, आप ही लोगों के प्यार के वजह से भाई मोटिवेट होते हैं हम लोग, बस जो ये कमेंट आते हैं आप लोग मिलते ना भाई, यही अच्छा लगता है। अभी बोल दो भाई, कुछ बोलना चाहते हैं मेरे, बोलो भाई बोलो। मेरा YouTube चैनल है पुष्पेश मेहता नाम से, आप जाके देख लीजिए, मैं टेक की वीडियोस डालता हूँ, इसे प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। पक्का टेक्निकल गुरुजी को पीछे छोड़ेगा, बहुत ही स्वीट पर्सन है, एक बार जाके चेक करो। तो कुछ ऐसा हाल होता है जब कोई पुराने स्टूडेंट आके अपने क्लास में देखते हैं, वो बैठ के अपने सीट पे ये सारे आर्ट के स्टूडेंट, और ये मेरे से भी 4 साल पुराने बैच के। अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर रहा है कि आपको कैसा लगा, कैसा लगता है अपने पुराने स्कूल में जाके। दीदी दो लफ्ज पुराने दिनों के लिए, बस मिले हमें लाइक, मुझे नहीं पता था कि मेरे एज के अलावा भी बहुत लोग फॉलो कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। कैसी लगती वीडियो? थैंक यू सो मच। तो ये दिखे मुझे कुछ अपने क्लास से जो साइंस में से है, ये निकल तू यहाँ से, ये भी बहुत पुराना दोस्त है, ये कॉमर्स में, मतलब मोस्ट ऑफ द गाइस साइंस से बहुत कम लोग हैं, कुत्ता है, कमीना है, हरामजादा, तारीफ में चलता है, बीप 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 लगेगा। तो यार ये हमारे साइंस से बस यही आते हैं हर साल, बाकी कोई भी नहीं आता। हाँ। और हम हर साल इससे मिलते हैं, मुझे भी अच्छा लगता है, मुझे पुराने दोस्तों से मिलके बहुत बढ़िया लगता है, जो यही भी यार यही दो की तो ये है जो मेरे स्कूल फ्रेंड थे लाइक पूजा, ये राखी, तब से इसकी इसकी खिल्ली उड़ाई बहुत ज्यादा, तो ये भाग गई, कोई बाकी लोग आए नहीं, इसकी पिक दिखा दियो आराम से, मैं पिक लीव इट, पिक से छोड़ो, हमने बहुत मस्ती करा, अभी ये एंड होने वाला है, देखो इसी पिक्चर डिलीट कर दी, ऐसे कुछ भाई कमेंट करो, कर डिलीट कर, अच्छा किया ना, अभी से हाँ कह रहे थे उन लोगों ने, हाँ बोला, मेरे को पता है सारे नेगर्स हाँ बोल रहे हैं। तो ये हमारे कुछ ग्रुप के मेंबर थे, दो चार लोग और गायब है। आई होप दिव्यांशी वीडियो अच्छी लगी, मैंने अपना पूरा स्कूल दिखाने की कोशिश करी कैसे कैसे हुआ, मुझे बहुत मजा आया पुराने दोस्तों से मिलके, ऊपर से बहुत सारे आप में से ही बहुत सारे दिव्यांश वहाँ पे आए थे, उनसे ही बातचीत हुई, अच्छा लगा, उन्होंने क्वेश्चन वगैरह, अच्छा लगता है यार फेस टू फेस मिलके, मैं फर्स्ट टाइम मतलब दिव्यांश से फर्स्ट टाइम मिला हूँ कि फेस टू फेस कैसा हुआ बातचीत, सच बहुत ऑसम एक्सपीरियंस था आपसे मिलना।
तो यार अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और मुझे इंस्टाग्राम में फोटोज मैं शेयर करूँगा, फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर जहाँ मर्जी फॉलो करो यार, वहाँ पे मेरे बारे में आपको अपडेट मिल जाएगा सारी चीज़ें। तो तब तक के लिए बाय बाय गाइस। और सच में मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, इतने सारे मतलब मिलके उन्होंने बताया क्या क्या चीज़ थी, कैसे कैसे, और तो रिव्यू मिला, बहुत अच्छा लगा यार। थैंक यू सो मच, बाय बाय।